Dear friends, once again I am with you and I welcome you all on my YouTube channel. Friends, today I have to discuss third subunit of Unit 2 of Part A of the syllabus of Principles of UP Higher Education Services Commission. And this part is dedicated to the Indian economy. As usual, I have to share some information. Please listen carefully. I have repeated it several times that all information available in this content are only a collection, and they have been collected from different sources, and I acknowledge the contribution of all authors, websites and different books from where the information have been collected. And please, as I have said already, that notes are handwritten and not very clear. So please listen carefully again and again. PDF copy of the notes is available in the first comment of the first lecture. You can copy the link and you can download the PDF notes for your further use. Friends, very important facts of Indian economy, although it is very difficult to summarize Indian economy in 10, 12 or 15 pages, but only most important facts which normally are asked in different examinations in the name of general knowledge, they are only included in this content. I have tried to present the content of Indian economy in a very precise manner. So, without wasting time, let us start. हम जानते हैं कि 1991 में वैश्वीकरण प्रारंभ हुआ। एक सीधा सा सवाल आता है, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन मींस ओपन द बॉर्डर्स, बहुत आसान शब्दों में। लिबरलाइजेशन मींस रिलैक्स the restrictions, and privatization means less is fair, allow private owners to operate in economic activities. यह प्रक्रिया 1991 में जब आदरणीय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे तब प्रारंभ हुई। ये सवाल भी बहुत आता है कि वैश्वीकरण का जनक कौन है, उस समय प्रधानमंत्री कौन था, कब शुरू हुआ आदि आदि। तो वैश्वीकरण के पहले 1951 से 1991 तक औसत वार्षिक वृद्धि की दर 4% थी। औसत वार्षिक वृद्धि का मतलब एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया पूरे 51 से 91 तक लगभग 40 सालों का। वैश्वीकरण के बाद 91 से 2002 तक की औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.5% रही। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI बहुत इंपॉर्टेंट मापदंड है संपन्नता का,
जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर निर्धनता मापी जाती है। सरकारी और निजी क्षेत्र जहां सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था, सील बॉर्डर्स, ऊपर हमने देखा ना ग्लोबलाइजेशन मीन्स ओपन बॉर्डर्स, बंद अर्थव्यवस्था सील बॉर्डर्स, नो एक्सपोर्ट नो इम्पोर्ट। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्राय आता है कि इसे किन आधारों पर मापा जाता है। HDI को हम तीन महत्वपूर्ण आधारों पर मापते हैं, जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय। यह तो वास्तव में वेरिएबल्स हैं, इनको हम बड़े हेड में पैरामीटर्स के नाम से जानते हैं। जीवन प्रत्याशा को हम हेल्थ पैरामीटर के अंतर्गत रखते हैं, शैक्षणिक उपलब्धि को एजुकेशन पैरामीटर के अंतर्गत और प्रति व्यक्ति आय को इनकम पैरामीटर के अंतर्गत रखते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर परीक्षा में आता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की। 1868 में दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया। इन्होंने ये वेल्थ ड्रेन थियरी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है, का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी संपत्ति अंग्रेज उठा ले जा रहे हैं। ब्रिटिश संसद में जाने वाले पहले सांसद, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्होंने पुस्तक लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह भी सवाल परीक्षा में आता है। इस तरह इससे तीन लाइन में कम से कम चार सवाल हैं जो निश्चित रूप से परीक्षा में आते ही जाते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना CSO सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1951 के द्वारा किया जाता है। भारत की सीमा में उत्पादित वस्तु तथा सेवा का वार्षिक मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, और उसमें से अगर हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हम शुद्ध घरेलू उत्पाद में प्राप्त हो जाता है। ये सवाल सीधे आता है, GDP माइनस D व्हाट विल बी द आउटकम, इट विल बी NDP। GNP कैसे कैलकुलेट करते हैं। वास्तव में GDP हमारी भारत की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, लेकिन GNP भारत के नेशनल द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का, वो नेशनल चाहे अपने देश में पैदा करें या विदेश से पैदा करें। तो इसका मतलब GNP में अपने देश के लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन दूसरे देशों के लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को हटा दिया जाता है। इसका मतलब कि नेट फॉरेन अर्निंग अगर हम GDP में जोड़ देते हैं तो वह GNP हो जाता है। तो GNP बराबर GDP प्लस X माइनस M, और अगर इसमें डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो यह नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। NNP एट फैक्टर कास्ट इज नेशनल इनकम, अक्सर पूछा जाता है नेशनल इनकम क्या है, इतनी सारी डिफरेंट वैल्यूज आपको राष्ट्रीय आय के नाम पर मिलती है, तो विच पर्टिकुलर वैल्यू विल बी हु विल रिप्रेजेंट नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, देन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट विल बी नोन एज नेशनल इनकम। अब इस NNP को हम जो फैक्टर कास्ट पर हमें प्राप्त हुई है इसे हम मार्केट प्राइस में बदल सकते हैं, लागतों को जोड़ दिया जाता है तो वह फैक्टर कास्ट पर इनकम हो जाती है।
लेकिन लागत पर हम किसी वस्तु को बाजार में नहीं बेचते, बल्कि उसमें हम टैक्स जोड़ देते हैं और कुछ सरकार सब्सिडी देती है उसको माइनस कर देते हैं। इस तरह अगर हम NNP एट फैक्टर कास्ट में इनकम टैक्स जोड़ दें, इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दें और सब्सिडी माइनस कर दें, तब जो आय प्राप्त होगी उसे हम NNP एट मार्केट प्राइस कहते हैं। पर कैपिटा इनकम भी अक्सर पूछा जाता है, क्या होता है पर कैपिटा इनकम? नेशनल इनकम में हम पॉपुलेशन से भाग दे देते हैं, जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इसमें सर्वाधिक पर कैपिटा इनकम गोवा की है और न्यूनतम बिहार की। राष्ट्रीय आय के लिए आंकड़ों का संकलन NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 1951 करता है। ये महत्वपूर्ण है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट तो CSO करता है, बट रिक्वायर्ड डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द फ्रॉम विच सोर्स इट मे बी आस्क्ड, तो इट इज कलेक्टेड बाय द NSSO। बजट फ्रेंच शब्द बजटी से लिया गया, जिसका अर्थ चमड़े का थैला। 1771 में ब्रिटिश वित्त मंत्री रॉबर्ट वाल पॉल ने चमड़े के थैले से वार्षिक वित्तीय विवरण निकाला। संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रावधान नहीं है, बल्कि बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रपति की सहमति से वित्त मंत्री बजट मनी बिल के रूप में लोकसभा, जिसका प्रावधान एक अनुच्छेद 110 में है, प्रस्तुत करता है। यह स्पीकर तय करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है या कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। स्पीकर जब यह तय कर देता है कि यह बिल मनी बिल है, तो उस पर राष्ट्रपति की सहमति ली जाती है। सहमति के बाद उसे लोकसभा में, स्ट्रिक्टली मनी बिल को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। वैसे किसी बिल को किसी भी सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है, लेकिन राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उसे पास करके लोकसभा को वापस करना होता है। ऐसा न होने पर वह अपने आप पास मान लिया जाता है और वह पास होकर राष्ट्रपति के पास पुनः अनुमोदन के लिए जाता है और एक्ट बन जाता है। अनुच्छेद 117 में फाइनेंस बिल का प्रावधान है। वित्त सचिव वित्त मंत्रालय के सहयोग से बजट तैयार करता है। बजट बनाने में 70 से 75 दिन लगते हैं। इसके व्यय हेतु धनराशि लेखा अनुदान वोट ऑन अकाउंट के जरिए प्राप्त किया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है कि वोट ऑन अकाउंट का प्रावधान अनुच्छेद के किस संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 116 में है। बजट लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में एक ही दिन पेश होता है। रेल बजट को 1924 में एजवर्थ कमेटी के द्वारा अलग किया गया। 1 फरवरी 1787 बजट में फिर एक कर दिया गया। निष्पादन बजट परफॉर्मेंस बजट, चालू वित्त वर्ष के परिणाम के आधार पर जब बजट बनाया जाता है तो उसे परफॉर्मेंस बजट कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं। शून्य आधारित बजट, नए वर्ष के लिए बजट बनाते समय आधार को शून्य मान लिया जाता है। इसे सनसेट बजट सिस्टम भी कहते हैं। इसके जनक पीटर पायर हैं, अमेरिका में 1973 में से यह विधि लागू की गई और भारत में 1788 से पहला राज्य आसाम है जिसने इसको लागू किया। आउटकम बजट, पहला 2005 में प्रत्येक तिमाही में प्रचलित योजनाओं की समीक्षा की जाती है। जेंडर बजट, महिलाओं के विकास और कल्याण पर केंद्रित रहता है। पहला बजट 1733 में प्रोफेसर फिलिप ब्रिटेन में प्रस्तुत किया। भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में आर के सन्मुख सेट्टी ने, गणतंत्र भारत का बजट 1950 में जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया। सबसे ज्यादा बार बजट मुरारी देसाई ने 10 बार 8+2 प्रधानमंत्री प्लस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल
जवाहरलाल इंदिरा गांधी राजीव गांधी ने बजट प्रस्तुत